हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच स्कूटर्स के नाम बताने वाला हूं जो कि खासकर गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अगर आप एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं किसी गर्ल्स या फिर लेडीज़ के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पे इस वीडियो में ऐसे स्कूटर्स को मैंने शामिल किया है जो कि शॉर्ट हाइट के गर्ल्स भी चला सकती हैं और जो थोड़ी सी लंबी हैं वो भी इस स्कूटर्स को चला सकती हैं। यहाँ पे केवल शॉर्ट हाइट या फिर टॉल हाइट वाली गर्ल्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूँ गर्ल्स के लिए, जिसमें से हो सकता है कि कोई आपको एक पसंद आ जाए। तो अगर आप स्कूटर खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पे स्कूटर मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आप डेली यूज के लिए ले सकते हैं, कॉलेज जाने के लिए ले सकते हैं, जो लोग की हाइट कम है या फिर ज्यादा है इनमें से कोई एक स्कूटर उनके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको सीट हाइट भी बताते जाऊंगा और कितना वेट है स्कूटर का ये भी मैं आपको बता दूंगा और कौन से आपके बजट के अंदर आएगी ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंडियन मार्केट में काफी सारे स्कूटर्स अभी शामिल है, तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरा भी पसंद हो। लेकिन ये चूंकि वीडियो केवल पांच स्कूटर्स के ऊपर है तो केवल इसमें आपको पांच ही स्कूटर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिफ्थ नंबर से, फिर जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ फिफ्थ नंबर पे है यामाहा कंपनी की फसिनो, जो कि थोड़ी सी पावरफुल इंजन के साथ आ जाती है। 125 सीसी सेगमेंट की स्कूटर है जिसमें आपको कलर ऑप्शन काफी ज्यादा मिल जाते हैं। इसमें डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन दिया गया है जिसमें अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाता है। ये स्कूटर थोड़ी सी रेट्रो डिजाइन की है, तो जिन गर्ल्स को थोड़ी सी रेट्रो डिजाइन पसंद आता है वो लोग इस स्कूटर को ले सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी से राउंड शेप का हेडलैम्प मिल जाता है, काफी अच्छी डिजाइनिंग मिल जाती है, काफी सारे पार्ट में क्रोम पार्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये स्कूटर की जो खास बात है ये काफी हल्की स्कूटर है। अगर इस स्कूटर के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएगा, स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाएगा, कम्फर्टेबल आपको लंबी सीट मिल जाती है, मेटल का फेंडर मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दिया गया है, यानी कि अगर आपका साइड स्टैंड लगा होगा तो ऐसे में आपका स्कूटर बंद हो जाएगा। यू शेप का टेल लैम्प मिल जाता है जो कि काफी अलग लुक बना के देता है। इसके अलावा फ्रंट में हुक दिया गया है। इसमें जो एक कमी देखी गई है जो कि इसकी फ्यूल फिलिंग है सीट के नीचे है, हालांकि एक्सटर्नल होती तो ज्यादा बेटर होती। तो ये कुछ आपको बेसिक से फीचर्स मिल जाते हैं। इस स्कूटर के माइलेज की बात करिए तो इसमें आपको 55 kmpl तक एप्रोक्स माइलेज मिल जाएगा। तो इस स्कूटर की सीट हाइट 780 mm है और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.2 लीटर मिल जाता है और इस स्कूटर का कर्व वेट मात्र 99 kg है, यानी कि एक काफी हल्की स्कूटर आपको मिल जाती है। इस स्कूटर की सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा जरूर है लेकिन ये आपको काफी हल्की मिल जाती है। तो अगर आप हल्की स्कूटर चाहते हैं तो इस स्कूटर को आप ले सकते हैं। तो ये बात आती है इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट, ड्रम ब्रेक वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है, उसके अलावा कुछ कलर्स का भी प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी प्राइस बता देता हूँ। तो यामाहा फसिनो BSS का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 69,530 rupees से लेकर 70,530 rupees तक है। तो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 72,030 rupees से लेकर 73,030 rupees तक है। तो वही ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 83,870 rupees से लेकर 84,870 rupees तक मिल जाती है। तो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट 86,630 rupees से लेकर 87,730 rupees तक मिल जाती है। तो इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर TVS कंपनी की जुपिटर है, जो कि TVS कंपनी की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली स्कूटर है जिसको बॉयज और गर्ल्स दोनों चलाना पसंद करते हैं। इस स्कूटर में आपको काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं जिसकी अलग अलग प्राइस है, तो जो आपके बजट के अंदर है इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लासिक वेरिएंट मिलता है, तो अगर आपको क्लासिक लुक वाली स्कूटर चलाना पसंद है तो ऐसे में आप क्लासिक वेरिएंट में ले सकते हैं। हालांकि ये स्कूटर थोड़ी सी भारी जरूर है, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो ऐसे में ये स्कूटर आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी सीट हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है। ये 110 सीसी सेगमेंट में आती है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है इसके बेसिक वेरिएंट में, लेकिन वही ZX वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिल जाता है। इसके हेडलैम्प में LED लाइट लगा हुआ है। इस स्कूटर के फ्रंट में ग्लोव बॉक्स भी दिया गया है जहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। इसके अलावा इसमें पार्किंग ब्रेक दिया गया है जो कि काफी अच्छी चीज है। कंपनी ने अभी हाल ही में जुपिटर का सीट मेटल व्हील वेरिएंट भी लॉन्च किया है जिसका प्राइस सबसे कम रखा गया है। तो इस स्कूटर के माइलेज की बात करें तो ये हाईवे बस 61 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है, यानी कि इस स्कूटर में आपको माइलेज काफी बेटर मिल जाता है। इस स्कूटर की सीट हाइट 765 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 6 लीटर है। तो इसका कर्व वेट 107 kg से लेकर 109 kg तक है। तो ये स्कूटर थोड़ी सी आपको भारी जरूर मिल जाती है, तो अगर आप भारी स्कूटर नहीं चलाना पसंद करते हैं तो इसको आप ना लीजिएगा। लेकिन ये स्कूटर उन गर्ल्स के लिए अच्छी है जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी वो लंबे कद की है, तो उन लोगों के लिए ये स्कूटर काफी बेटर रहेगी जिसमें आपको कम्फर्ट काफी अच्छा मिलेगा। तो ये बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो TVS Jupiter BSS का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके सीट मेटल व्हील वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 63,497 rupees तक है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट जो इसका क्लासिक वेरिएंट है 72,472 rupees तक है।
अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो इसका सबसे बेस वेरिएंट 73,000 रुपीस तक मिल जाती है, जबकि इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट 84,200 रुपीस तक मिल जाती है। तो जो आपके बजट के अंदर आए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवीएस जुपिटर के सभी वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे टीवीएस जुपिटर के सभी वेरिएंट को एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी कि किस वेरिएंट में क्या फीचर्स मिलते हैं। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे इंडिया की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली स्कूटर होंडा एक्टिवा 6G है, जिसको बॉयज हो या फिर गर्ल हो सभी चलाना पसंद करते हैं और इसको हर महीने काफी ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है। लेकिन इसको तीसरे नंबर पे मैंने बस इसलिए रखा है, ये थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है और इसकी सीट हाइट भी ज्यादा मिनिमम नहीं है, इसलिए इसको थर्ड स्थान पे मैंने रखा है। हालांकि इसमें भी आपको काफी बेसिक से फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफी कंफर्टेबल राइड मिल जाता है। ये 110cc सेगमेंट में आती है, जिसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें हालांकि डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके भी हेडलैम्प में एलईडी लाइट लगा हुआ है, इसमें एनालॉग मीटर मिल जाता है, इसमें डिजिटल मीटर का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, मल्टीफंक्शन की स्विच मिल जाता है जिससे कि आप सीट ओपन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो कमी इसमें देखी गई है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिया गया है, आपको केवल सीट मेटल व्हील वेरिएंट मिलता है। माइलेज की बात करें तो 52 से लेकर 53 kmpl तक एप्रोक्स माइलेज मिल जाती है। इसकी जो सीट हाइट है 765 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर है और इसका कर्व वेट 107 kg है, यानी कि जुपिटर इतना ही भारी है। तो ये बात आती है इसके प्राइस की, तो इसका स्टैंडर्ड वेरियंट का एक्सरूम प्राइस 66,799 रुपीज तक है, तो वही डिलक्स वेरियंट 68,544 रुपीज तक है। तो ये कंपनी ने अभी हाल ही में इसका एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया है, तो उसका एक्सरूम प्राइस 68,299 रुपीज से लेकर 70,044 रुपीज तक है। अगर ऑनर प्राइस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वेरियंट अप्रॉक्स दिल्ली में 78,000 रुपीज से लेकर 79,900 रुपीज तक मिल जाती है, तो इसका एनिवर्सरी एडिशन 79,600 रुपीज से लेकर 82,000 रुपीज तक ऑन रोड अप्रॉक्स दिल्ली में मिल जाती है। इस स्कूटर में सेकेंड नंबर पर टीवीएस कंपनी की स्कूटी पे प्लस है। इसके अलावा आप टीवीएस जेस्ट को भी ले सकते हैं। ये स्कूटर खासकर गर्ल्स के लिए डिजाइनिंग की गई है, जो कि देखने में थोड़ी सी स्लिम लगती है और ये स्कूटर काफी हल्की भी है। लेकिन वही बात आती है कि टीवीएस जेस्ट को लें या फिर स्कूटी पे प्लस को लें, तो जिसको भी थोड़ी सी पावरफुल इंजन के साथ चाहिए तो आप टीवीएस जेस्ट को ले सकते हैं, क्योंकि ये 110cc सेगमेंट में आती है और स्कूटी पे प्लस में 87.8cc का इंजन दिया गया है, तो आप डिफरेंस दोनों में समझ सकते हैं। दोनों के जो डिजाइनिंग है लगभग मिलती जुलती है, दोनों में एलईडी डीआरएस इसके फ्रंट एप्रन पे दिया गया है, फ्रंट फेंडर दोनों में नहीं मिलता है, जो भी फ्रंट एप्रन है वो आगे तक बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से दोनों का लुक आपको सिमिलर मिल जाता है। इसके अलावा दोनों के जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाती है, बाकी के सारे लुक्स मिलते जुलते हैं। एनालॉग मीटर दोनों मिल जाता है, एनालॉग मीटर की डिजाइनिंग भी दोनों में अलग अलग मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो इन स्कूटर्स में काफी अच्छी माइलेज मिल जाती है, 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो इन दोनों के जो सीट हाइट है 760 mm तक है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 4.2 लीटर मिल जाता है स्कूटी पे प्लस में और 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जेस्ट में दिया गया है। इसके अलावा 93 kg का स्कूटी पे प्लस है और 98 kg का टीवीएस जेस्ट स्कूटर है, तो इन दोनों का आप कर्व वेट भी दे सकते हैं, थोड़ी सी हल्की आपको टीवीएस स्कूटी पे प्लस मिल जाती है। तो अगर आपकी हाइट बहुत ही छोटी है, अगर आप बहुत ही हल्के स्कूटर चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप टीवीएस स्कूटी पे प्लस को ले सकते हैं, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। तो ये बात आती है इनके प्राइस की, तो टीवीएस स्कूटी पे प्लस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 54,374 रुपीज से लेकर 56,224 रुपीज तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 64,000 रुपीज से लेकर 66,000 रुपीज तक ऑन रोड अप्रॉक्स दिल्ली में मिल जाती है। तो टीवीएस जेस्ट की प्राइस की बात करें तो इसका एक्सरूम प्राइस 61,345 रुपीज से लेकर 63,345 रुपीज तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में 72,100 रुपीज से लेकर 74,100 रुपीज के आसपास मिल जाती है। तो टीवीएस स्कूटी पे प्लस और जेस्ट में प्राइस का भी काफी डिफरेंस है, तो अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो ऐसे में आप टीवीएस स्कूटी पे प्लस को ले सकते हैं। तो यहीं आगे बढ़ते हैं, तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस है। ये स्कूटर गर्ल्स के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें लुक काफी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा जिन गर्ल्स को क्लासिक लुक पसंद है, तो कंपनी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें क्लासिक वेरिएंट भी लॉन्च किया है, यानी कि प्लेटिनम एडिशन, तो उसमें केवल एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको वो पसंद आता है तो उसको आप ले सकते हैं। ये स्कूटर भी 110cc सेगमेंट में आती है, जिसमें टोटल आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और एक प्लेटिनम एडिशन में कलर ऑप्शन मिल जाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके हेडलैम्प में हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, इसमें एनालॉग मीटर दिया गया है, डिजिटल मीटर का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें डुअल टेक्सचर सीट मिल जाती है, इसमें फ्रंट में ग्लोव बॉक्स के साथ यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, 3D लोगो मिल जाता है साइड में और सीट के नीचे काफी बड़ी स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें बूट लाइट भी दिया गया है। माइलेज की बात करें तो 50 से लेकर 55 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है।
तो इस स्कूटर की जो सीट हाइट है 760 mm तक है, यानी कि स्कूटी पे प्लस इतना इसका सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 4.8 लीटर मिल जाती है और इसका कर्व वेट 104 kg है। तो ये स्कूटर आपको होंडा एक्टिवा टीवीएस जुपिटर इससे आपको हल्की मिल जाती है, लेकिन यामाहा फासिनो स्कूटी पे प्लस के मुकाबले थोड़ी सी भारी जरूर है। ऐसे में अगर आपकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी है उन लोगों के लिए भी ये स्कूटर अच्छी रहेगी, जिनकी हाइट ज़्यादा भी है उन लोगों के लिए भी ये स्कूटर अच्छी रहेगी, क्योंकि हल्की सी थोड़ी सी भारी भी है तो अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और इसके अलावा इस स्कूटर मैंने पहले स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो ये बात आती है इसकी प्राइस कितनी है, तो इसके अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग प्राइस मिल जाता है। तो हीरो प्लीजर प्लस बीएसएस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके सीट मेटल व्हील वेरिएंट का 57,300 रुपीज लगा है, इसके अलावा व्हील्स के साथ 59,950 रुपीज लगा है। तो इसका प्लेटिनम एडिशन का एक्सरूम प्राइस 61,950 रुपीज लगा है। ऑनर प्राइस की बात करें तो इसका सीट मेटल व्हील वेरिएंट 66,683 रुपीज तक मिल जाएगी, अलावा व्हील्स के साथ ऑनर अप्रॉक्स प्राइस 69,498 रुपीज तक है। तो इसका प्लेटिनम एडिशन का ऑनर अप्रॉक्स प्राइस 71,498 रुपीज तक है। और ये सारे प्राइस एक्सरूम हो या फिर ऑनरोड हो सारे दिल्ली के हैं, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वहाँ प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे स्कूटर्स के नाम आपको बताए हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी भी दे दी है और एक्सरूम प्राइस और ऑनरोड प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। और 5 स्कूटर खासकर गर्ल्स चलाना पसंद करती हैं, इनमें से कुछ स्कूटर बॉयज भी पसंद करते हैं जैसे कि होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर, दो ऐसे स्कूटर्स हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों चलाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिनका बजट बहुत ही कम है और जिनका हाइट भी बहुत छोटा है उनके लिए स्कूटी पे प्लस ज्यादा बेटर है। तो इन 5 स्कूटर में से आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने आपको 5 नहीं बल्कि 6 स्कूटर्स के नाम बता दिए हैं जिनमें से 2 कॉमन है, तो हो सकता है इन 6 स्कूटर्स में से आपको कोई एक पसंद जरूर हो, तो अपनी पसंद कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।